जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर हूँ। आज पहली क्लास है एडोबी इलस्ट्रेटर की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है। ग्राफिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए विजुअली मैसेज कन्वे करने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोला जाता है। ओके, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया में होती हैं पांच चीज़ें: टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ड्राइंग, ग्राफिक और एनिमेशन। अब इसके बाद यानी टेक्स्ट को हम कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑडियो की फाइल को हम मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने कॉल कर ली या वॉइस मैसेज कर दिया कि कोई पैगाम पहुंचाना था तो पहुंचा दिया। इसी तरह एनिमेशन के तौर पे। अब ग्राफिक को हम किस तरह यूज़ करते हैं? ग्राफिक को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम गाड़ी पार्क करने गए, वहाँ पे पार्किंग का साइन और नो पार्किंग का साइन देख के हम पहचान गए कि भाई पार्किंग है तो इसका मतलब ये है, पी बना हुआ है, इसका मतलब ये है हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं या सेफली पार्क कर सकते हैं, कोई हमारी गाड़ी टो करके नहीं ले जाएगा। अगर यहाँ नो पार्किंग का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ हमसे कोई कह नहीं रहा कि भाई यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करो, यहाँ नो पार्किंग है। हम साइन को पहचान देखते ही हमें विजुअली मैसेज कन्वे हो गया कि भाई यहाँ पार्किंग नहीं करो, गाड़ी टो करके ले जाएगी आपकी गाड़ी को। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो अलग अलग सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यू टर्न के साइंस को देख के हम पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ से यू टर्न ले लो, यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं हम और कहीं से नहीं ले सकते। इसी तरह ये साइन ग्राफिक के हमारी ज़िंदगी में आसपास मौजूद है। चलें ग्राफिक की टाइप्स जान लेते हैं कि कितनी तरह की ग्राफिक टाइप्स होती हैं। दो तरह की ग्राफिक टाइप्स होती हैं, एक रास्टर और एक वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मैथमेटिकल इक्वेजन्स को कहते हैं। मतलब दो डॉट से मिलके एक लाइन बनती है, लाइन से मिलके एक शेप बनता है, कर्व मिलके भी कोई शेप बनाते हैं, डॉट्स मिलके कोई शेप बनाते हैं, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। सही। और रास्टर क्या होता है? रास्टर में पिक्सल होते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल बहुत सारे बॉक्सेस मिलके एक पिक्चर बना रहे होते हैं कलरफुल, वो पिक्सल होते हैं। इसलिए कोई भी पिक्चर हो वो उसको जूम करने पे वो पिक्सलेट हो जाएगी क्योंकि उसमें पिक्सल मौजूद है। ये रास्टर होता है। अब एडोबी एक कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर हैं एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इनडिज़ाइन, एडोबी एक्सडी। ओके, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एडोब का एडोबी इलस्ट्रेटर है। ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके ज़रिए हम वेक्टर डिज़ाइनिंग करते हैं। फिर इसके बाद ग्राफिक फाइल फॉर्मेट आ जाता है। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट में वेक्टर में EPS होता है, SVG होता है, SWF होता है, PDF होता है। PDF एक सिंपली टेक्स्ट फाइल होती है। इसके अलावा SVG कंप्यूटर बेस्ड कोई फाइल हो उसको वेक्टर में लाना चाहे तो वो करती है। SWF फ्लैश का होता है, ऑडियो वीडियो को हम ग्राफिक में लाना चाहें, वेक्टर में लाना चाहें तो हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल की मदद से। EPS कोई भी उर्दू टेक्स्ट हमें ऐड करना हो वेक्टर में तो हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह रास्टर में भी फाइल फॉर्मेट है, JPEG है, PNG है और PSD है। JPEG वो इमेज है जिसके साथ बैकग्राउंड होता है। अब आप कहेंगे सर सब पिक्चरों के साथ तो बैकग्राउंड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस प्रोडक्ट होते हैं, बस कंपनियां होती हैं जो कहती है कि हमारी प्रोडक्ट के पीछे से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें आप, तो हम वो फोटोशॉप की मदद से रिमूव कर देते हैं। ओके, उनको PNG फॉर्मेट कहते हैं और PSD जो है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है और AI इलस्ट्रेटर का वो है एक्सटेंशन। चलें स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर खोल के।
यहाँ जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये वर्जन CC है, क्रिएटिव क्लाउड। इससे पहले जो वर्जन यूज़ होता था वो होता था एडोब क्रिएटिव सुइट का, जिसे CS6 बोलते थे। 2015 से 2020 तक जितने वर्जन आए वो सब CC हैं, क्रिएटिव क्लाउड्स हैं। सबसे पहले एडोबी का इलस्ट्रेटर खुला, ये विंडो आई हमारे पास, ओके। या मैं कंट्रोल एन करूं या न्यू पे जाऊं तो एक बॉक्स खुल गया डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, रिसेंट पे जैसे मैंने रिसेंट पे काम किया तो वो रिसेंट आर्टबोर्ड आ गए। यहाँ जो पेज होता है, यहाँ जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम आर्टबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे सेफ्ट है, सेफ्ट के अंदर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट यानी कोई प्रीसेट बना के सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे ये साइज़ चाहिए, बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहा हूँ मैं। बिजनेस कार्ड का साइज़ होता है 3.5 बाय 2 इंचेस, 3.5 विड्थ है, 2 इंचेस उसकी हाइट है। मुझे ये साइज़ चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं बार बार वो साइज़ नहीं लूँ, बार बार मैं न्यू फाइल लेके नहीं करूँ, यानी बार बार मैं फाइल बनाना नहीं चाह रहा, एक ही दफ़ा बनाई हुई है उसको ही बार बार खोलना चाह रहा हूँ न्यू में, तो मैं सेव करके रख दूँगा वो साइज़, और सेव में जाके जब क्लिक करूँगा तो वही साइज़ खुल के आएगा, ओके। इसके अलावा मोबाइल दिया हुआ है, मोबाइल में अलग अलग प्रीसेट दिए हुए, वेब के अलग प्रीसेट दिए हुए, प्रिंट में अलग प्रीसेट दिए हुए, प्रिंट में लेटर है, लेटर का साइज़ A4 का साइज़, लीगल का साइज़ ट्रैबोल्ट का साइज़ A3 का साइज़, B4 का और B5 का। A3 जो है वो पोस्टर साइज़ होता है, फिर फिल्म और वीडियो का है, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेटर का है। सबसे पहले प्रीसेट डिटेल्स पे आ जाते हैं। प्रीसेट डिटेल्स में अनटाइटल लिखा हुआ है, याद रखें कभी भी फाइल अनटाइटल करके सेव ना किया करें। अनटाइटल करके सेव करेंगे तो फाइल ढूंढने में मसला होगा आपको, फिर आप किस नाम से फाइल ढूंढेंगे। तो हर फाइल को अपना नाम दें, ओके, यानी हर फाइल को नाम दे के सेव करें। या मैं लिख देता हूँ क्लास वन। अब इसकी विड्थ कर लेते हैं, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ मैंने 11 रखी और हाइट मैंने 8.5 रखी, ये लेटर का साइज है। अब यूनिट्स यहाँ किस लिए दिए हुए, यूनिट्स दिए हुए मेजरमेंट करने के लिए, कि मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स दिए हुए, पॉइंट्स हैं, पिकास है, इंचज है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, पिक्सल है। पिक्सल और इंचज ज़्यादा यूज़ होते हैं, पॉइंट जो है वो इन डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, और मिलीमीटर इन पेज में यूज़ होते हैं, और सेंटीमीटर भी, ओके। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। ओरिएंटेशन होता है यानी पेज किस तरह का है। हमेशा याद रखें ओरिएंटेशन सिर्फ दो तरह की होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है, ओके। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, हम इलस्ट्रेटर में एक वक्त में कितने आर्टबोर्ड बना सकते हैं, इसका आंसर है हम इलस्ट्रेटर में एक वक्त में 100 आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं, 100 पेजेस ले सकते हैं, 100 आर्टबोर्ड ले सकते हैं, ओके। लेकिन अभी मैं एक ही ले रहा हूँ इसमें। फिर इसके बाद ब्लीट पे आ जाते हैं। ब्लीट क्या है, मैं प्रिंटर वाले के पास गया डिज़ाइन बना के, और प्रिंटर वाले ने जब प्रिंट निकाला तो डिज़ाइन कट गया। अब उसने मुझसे कहा कि सर इसमें आपकी गलती है कि आपने डिज़ाइन बना के लाए थे, मेजरमेंट सही करते वो डिज़ाइन थोड़ा सा पेज के बाहर हो रहा था, इसलिए वो कट गया प्रिंटिंग के दौरान। तो वो डिज़ाइन कटे ना, वो डिज़ाइन सेफ रहा, इसलिए मैं ब्लीड लगाऊंगा। ब्लीड 0.125 से स्टार्ट होती है और 1 इंच तक जाती है। ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट को देखते हुए अलग अलग, जैसे पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं किसी के लिए, किसी के लिए बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, किसी के लिए लेटर हेड बना रहे हैं, किसी के लिए फ्लायर बना रहे हैं, किसी के लिए ब्रोशर बना रहे हैं, उन सब में अलग अलग ब्लीड साइज लगता है, ओके। नेसेसरी नहीं है लेकिन लगाना चाहें तो अच्छी बात है। और मार्जिन कहते हैं जो पेज के अंदर होता है उसे मार्जिन कहते हैं, पेज के बाहर जो होता है वो ब्लीड और सलग होता है। फिर कलर मोड पे आ जाते हैं। कलर मोड कितनी तरह के होते हैं, कलर मोड 5 तरह के होते हैं। पहला होता है बिट मैप, दूसरा होता है ग्रे स्केल, तीसरा होता है
लैब कलर, चौथा होता है आरजीबी, पांचवा होता है सीएमवाईके। अब इसमें से दो कलर बहुत इम्पोर्टेंट है, आरजीबी और सीएमवाईके। आरजीबी जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कलर को कहते हैं, ओके। रेड ग्रीन ब्लू कलर को हम कहते हैं आरजीबी कलर। अब इन्हीं कलर से मिलके और कलर बनते हैं, ये शार्प कलर होते हैं, ब्राइटनेस ब्राइट कलर होते हैं, ओके। ये स्क्रीन के लिए यूज़ होता है हमेशा, स्क्रीन के लिए हम जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें हम आरजीबी यूज़ कर रहे हैं, ओके। और सीएमवाई के जो कलर है, सीएमवाई के प्रिंटिंग कलर हैं। अब पेनाफ्लेक्स निकाल रहे हैं, पेनाफ्लेक्स बनाया है, अब वो प्रिंट के लिए जा रहा है, तो वो सीएमवाई के पे प्रिंट होगा। सीएमवाई के स्टैंड फॉर सियान, मर्चेंडा, येलो और क्रिप्टन। क्रिप्टन स्टैंड फॉर ब्लैक, क्योंकि बी से ब्लू है इधर, इसलिए यहाँ के से ब्लैक है, ओके, अंडरस्टैंड। चले अब क्रिएट कर लेते हैं एक आर्टबोर्ड। ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है टूल बार, ये अटैच हो जाता है। हम इसको अटैच भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ओके। अगर मुझे डिटेल्ड काम करना है, जैसे मुझे चाहिए कि ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है, ये इसे वर्क स्पेस भी बोलते हैं, वर्क एरिया भी बोलते हैं, और ये हमारा आर्ट बोर्ड है। ये जो वाइट पेज आपको नज़र आ रही है, ये आर्ट बोर्ड है हमारा, और ये टूल बार है। टूल बार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इन सब टूल्स का यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे डिटेल्ड काम करना है, जैसे मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, वर्क स्पेस में स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसे ऊपर दिए हुए एरो से वन लाइन कर दूंगा, सिंगल रो कर दूंगा। वैसे मैं डबल रो पे ही काम करता रहूँगा इस पर, ओके। और राइट साइड पे पैनल्स दिए हुए, पैनल्स के अंदर पैलेट मौजूद होते हैं, ये भी हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। वर्क स्पेस ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ओके। जैसे विंडो में गए, न्यू विंडो में गए, विंडो में जाके वर्क स्पेस में गए और न्यू वर्क स्पेस पे गए और क्लिक करेंगे इसको, तो आपके पास न्यू वर्क स्पेस आएगा, उसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, ओके। अगर किसी वजह से ये चीज़ें डिलीट हो जाएं, जैसे पैनल्स हट जाएं, ये टूल बार भी हट जाए, तो वर्क स्पेस में जाके रीसेट इनिशियल्स पे चले जाएंगे, क्योंकि हमने इनिशियल्स चूज़ किया हुआ है ना, तो रीसेट इनिशियल्स पे जाके क्लिक कर देंगे, तो इस तरह इनिशियल्स यानी ये ठीक हो जाएगा, ओके। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सेलेक्शन टूल, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, फिल, स्ट्रोक और शेप्स से मिल के हम स्नोकर टेबल बनाएंगे, ओके। स्नोकर टेबल, सबसे पहले सेलेक्शन टूल पढ़ते हैं। सेलेक्शन टूल क्या है? सेलेक्शन टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखें अभी ये सेलेक्ट नहीं है, क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया है। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये बाउंडिंग बॉक्स है। बाज़ औक़ात ये बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आता, हट जाता है किसी वजह से, तो व्यू में जाएंगे और बाउंडिंग बॉक्स पे जाएंगे या शिफ्ट कंट्रोल बी करेंगे, शॉर्टकट है इसका। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके मूव कर देंगे और रोटेट भी कर लेंगे, ओके। सेलेक्शन टूल का काम ये, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल का काम है ये एंकर पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स की मिसाल हम इस तरह लेंगे, जैसे जहाज़ होता है एक, उसमें एंकर होता है, एंकर होता है जगह जहाज़ को रोक के रखने के लिए, इसमें लाइंस को रोकने के लिए ये एंकर है दिया हुआ है हमें, ओके।
तो इस एंकर को क्लिक करेंगे तो हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। देख शेप में रीशेप कर दिया मैंने, और इसका फिल चेंज करना है मुझे। तो मैं एक्स से कर सकता हूँ, एक्स करेंगे तो फिल सेलेक्ट हो रहा है, कभी स्ट्रोक सेलेक्ट हो रहा है, फिल सेलेक्ट हो रहा है, स्ट्रोक सेलेक्ट हो रहा है। ओके, अब मुझे कलर चेंज करना है इसका, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, फिल पे डबल क्लिक करूँगा, फिल पे, तो यहाँ कलर पिकर खुल जाएगा, कलर पिकर खुल जाएगा। कलर पिकर ऑन होते ही यहाँ पे कलर हम पिक कर सकते हैं। ये कलर मैंने पिक कर लिया इधर से, यहाँ पे कलर पिक होता हुआ नज़र आ रहा है। एच दिया हुआ है यहाँ, एस दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब इनको बताते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले ये कलर स्लाइडर है, ओके, और ये कलर पिक है स्पोर्ट्स पिक करने का। एच स्टैंड फॉर ह्यू, एच यू ई ह्यू, ह्यू कहते हैं कलर को, ओके। एस स्टैंड फॉर सैचुरेशन, ओके, यानी इसकी इंटेंसिटी को, इसकी डेंसिटी को। बी फॉर ब्राइटनेस, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, ओके, और सी फॉर सियान, एम फॉर मर्चेंडा, वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो, और के फॉर क्रिप्टन, क्रिप्टन स्टैंड फॉर ब्लैक, ओके। यहाँ जो हैश के बाद कोड दिया हुआ है E02D2D, ये कोड दिया हुआ है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उन्होंने मुझे पेनाफ्लेक्स बनाने का ऑर्डर दिया, अब वो कह रहे हैं कि भाई रेड कलर यूज़ करना है। अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता ना, सर देखें रेड कलर के तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, अब आपकी कंपनी में कौन सा रेड कलर यूज़ हुआ है, तो वो मुझे कोड देंगे, ओके, वो मुझे कोड देंगे, वो कोड मैं यहाँ इंटर करूँगा और यहाँ पे और इस जगह वो कलर आ जाएगा, ओके। इसी तरह कलर स्विचेस दिए हुए, या डिफरेंट डिफरेंट कलर स्विचेस दिए हुए, ओके। इस तरह हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर से भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अब कोई बंदा है, कोई क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि मेरा वाला, मेरे में वाइट और रेड होना चाहिए पेनाफ्लेक्स में कलर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, यहाँ पे एक कलर ग्रुप बनाऊँगा। कलर ग्रुप बनाने के बाद मैं डबल क्लिक करूँगा रेड पे, और यहाँ पे ग्लोबल कलर पे चेक लगा दूँगा। अब प्रोसेस कलर क्या होते हैं, प्रोसेस कलर होते हैं बहुत सारे कलर्स को मिला के एक कलर जो बनता है उसको प्रोसेस कलर बोलते हैं। और स्पॉट कलर होता है एक फिक्स कलर, स्पॉट कलर क्या होता है, एक फिक्स कलर होता है, जो स्पेशल कलर होता है एक ही कलर होता है, ओके। ग्लोबल पे करके कलर मोड RGB पे रख के ओके कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे यह फ़ायदा हुआ कि अब मैं कुछ भी शेप बनाऊंगा ना, कुछ भी शेप बनाऊंगा, अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इस शेप का भी कलर चेंज हो जाएगा, ओके। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब मुझे पेज का कलर चेंज करना है, ओके, मुझे पेज का कलर चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल ऑल्टर पी करूँगा। कंट्रोल ऑल्टर पी करते ही ये बॉक्स खुल गया डॉक्यूमेंट सेटअप का। यहाँ पे सिमुलेटेड कलर पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे जाके चेक लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पर्पल कलर कर रहा हूँ, ओके किया मैंने, यहाँ ओके किया तो यहाँ पे पर्पल कलर आ गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कलर हमारे सारे डिज़ाइंस पे ओवरले कर जाएगा, ओवर कंट्रोल कर लेगा, ओके। तो इसलिए हम ज़्यादातर वाइटी पेज पे काम करते हैं।
ओके सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो समझ में आ गया आपको। फिल फिल कहते हैं अंदर के कलर को और स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को। ओके अब सबसे पहले मैं शेप ले रहा हूं, शेप के कोने पे आपको एक एरो नजर आ रहा है, उस एरो को प्रेस करके रखेंगे। तो आप शेप बना सकते हैं, आपने एक शेप बनाया। कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। ये मैंने इसको बड़ा कर लिया। ओके अब स्ट्रोक में बढ़ाऊंगा, स्ट्रोक का कलर कर दूंगा ब्राउन, और यहाँ स्ट्रोक वेट दिया हुआ है, स्ट्रोक वेट को मैं इंक्रीज करता रहूंगा। पहले सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट करने के बाद ब्राउन कलर हमने दिया स्ट्रोक पे, और इस तरह ये एक बाउंडिंग बॉक्स बन के आ गया। ये स्नोकर की टेबल बन गई। अब मैं चाह रहा हूं कि ये टेबल मूव ना करे, ओके ये लॉक हो जाए, तो इसके लिए कंट्रोल ऑल्टर कंट्रोल टू करूंगा, तो ये लॉक हो गई, अब ये मूव नहीं हो रही। अब मैं चाह रहा हूं कि ये अनलॉक हो जाए, तो मैं कंट्रोल ऑल्टर टू प्रेस करूंगा जिससे ये अनलॉक हो जाएगी। ओके अब मैं चाह रहा हूं कि ये हाइड हो जाए, तो मैं कंट्रोल थ्री प्रेस करूंगा तो ये हाइड हो गई, यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन फिलहाल हाइड हो गई, छुप गई है। कंट्रोल ऑल्टर थ्री करूंगा तो अनहाइड हो जाएगी। ओके अगर आपको देखना है कि यहाँ कैसे होगा, तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में लॉक दिया हुआ है, लॉक में सिलेक्शन दिया हुआ है, कंट्रोल टू शॉर्टकट उसका है, और हाइट दिया हुआ है, हाइट में सिलेक्शन कंट्रोल थ्री है। ओके और शो ऑल की शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्टर थ्री, अनलॉक ऑल की है कंट्रोल ऑल्टर टू। अब मैं एल प्लेस करूंगा, एल एलिप्स की शॉर्टकट है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लूँ, तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट है। ओके सिंपल कॉपी पेस्ट है ये, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करूँ, तो ये कॉपी इनटू पेस्ट हो, यानी पेस्ट इनटू प्लेस होगा, यानी उसके ऊपर ही आ गया ये। ओके यानी उसी जगह ये पेस्ट हो गया।
अगर मैं कंट्रोल सी करूँ और कंट्रोल एफ करूँ तो ये पेस्ट होना फ्रंट हो गया, यानी इसके ऊपर पेस्ट हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल बी पेस्ट होना बैक। ओके, अगर हमें ये शॉर्टकट पता करने के कहाँ से ये शॉर्टकट हैं तो हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पे कट का कंट्रोल एक्स है, कॉपी का कंट्रोल सी है, पेस्ट का कंट्रोल वी है, पेस्ट का फ्रंट का कंट्रोल एफ है, पेस्ट इनटू बैक का कंट्रोल बी है और पेस्ट इन प्लेस का शिफ्ट कंट्रोल वी है। ओके, और कॉपी हमें निकालनी है तो ऑल्टर से हम कॉपियां निकाल सकते हैं इसकी। ओके, आसान तरीका। ओके, इस तरह हम बॉल्स बनाते रहेंगे। से मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। फिर हम इसकी स्टिक्स बना लेंगे और ये बन गया आपका स्नोकर टेबल।
स्नूकर टेबल। क्लास वन स्नूकर